हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में डिस्कस किए, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लूसेंट के हिसाब से इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसमें दिया हुआ है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन हम लोग सीधे, क्योंकि हमारे बुक में लूसेंट पे एक साथ सारा दे दिया है जिसको समझना बिल्कुल मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमें, और एग्जाम में नहीं बन पाएंगे क्वेश्चन। तो हमने क्या ट्राई किया है कि हम ऐसे करते हैं, पहले डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को, उसके बाद डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क को, उसके बाद डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 500 से प्लस है, नेशनल पार्क 100 प्लस है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका रामसर जो कि आपके बुक में नहीं दिया, ये भी डिस्कस करेंगे। सब मैप की मदद से हम लोग ट्राई करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बाद हम और भी जो रिजर्व है इम्पॉर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया फैक्ट्स एंड फिगर के बाद ये क्या क्या दिया था, कुछ और चीज़ दिया था कि टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, क्लियर। तो बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। बायोस्फीयर रिजर्व में हम देखेंगे कोर जोन, बफर जोन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्चा करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना, स्टेट का कितना शेयर होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नंबर आप लिख लीजिए, कोई भी डाउट हो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। चलिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर नाम से पता चलता है एक ऐसा स्फीयर जहाँ पे बायोटा रहते हैं। बायोटा, बायोटा का मतलब ऐसा चीज़ जिसके पास लाइफ हो, ऐसा थिंग जिसके पास लाइफ हो, कहाँ पर रहता है, क्लियर। सबसे पहले बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन तीनों वर्ड के बारे में आपको पता होगा, ये है होता है लिथोस्फीयर, ये होता है हाइड्रोस्फीयर, ये होता है एटमोस्फीयर। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे तीनों प्रेजेंट हो, लिथो का मतलब होता है जहाँ पे लैंड प्रेजेंट हो, हाइड्रो का मतलब जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो, और एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो। तो ये तीनों जहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये तीनों जहाँ पे प्रेजेंट होगा उस एरिया को हम बोलते हैं बायोस्फेयर, क्लियर। क्योंकि ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पेसीज तभी यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है, जब तक ये तीनों नहीं मिलेगा सर्वाइव नहीं करेगी, क्लियर। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, हमारे देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें 11 को यूनेस्को ने अपने एक प्रोग्राम है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम, ध्यान दो ना। हमने तो बोला है कि हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को ने अपना एक प्रोग्राम है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत बोला है कि भाई आपका 18 का 18 बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, आपके पास 11 है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर इन 7 को भी यूनेस्को मान ले। क्यों? क्योंकि आज से 2 साल पहले यूनेस्को 10 ही मानता था, लेकिन और ये 18 मानते थे, तो इसमें से एक को यूनेस्को ने बोल दिया कि चलिए हम मान लेते हैं आपके पास 11 है, क्लियर। सबसे लास्ट बार किसको माना है? कंचनजंगा। तो अब देख लेते कुछ और फैक्ट, ध्यान देना, कुछ फैक्ट पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात आती है, तो हम दो तरीका अपनाते हैं। एक इन सिटू कंजर्वेशन, कि भाई जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वहीं पे हम रहने देते हैं, वहीं पे कंजर्व करने का ट्राई करते हैं। दूसरा तरीका है कि भाई यहाँ से उठा के हम ऐसे जगह सेफ प्लेस पे लेके चलते हैं। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वहीं पे हम कंजर्व करते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर। लेकिन अगर एक्स सी टू का मतलब भाई यहाँ से उठा के कहीं सेफ प्लेस पे ले चलते हैं, जैसे बोटेनिकल गार्डन है होता है, जू होता है, सी वगैरह जगह वगैरह होता है, इन सब को बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इससे भी बन सकता है, आपसे पूछेगा जो कैसा प्लेस है, इन सी टू कंजर्वेशन है या एक्स सी टू कंजर्वेशन का प्लेस है, ये आप बता सकते हो, क्लियर। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ। ध्यान देना, वाइल्ड लाइफ में आपको क्या लगता है, ये आपको नहीं लगता एक किसी जानवर से रिलेटेड है,
एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए, यहाँ पे बाकी ध्यान देना एनिमल के अलावे कोई प्लांट वगैरह है उस पर फोकस नहीं होता है। फोकस किस पे होता है? फोकस ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ लैंड पे होता है, ध्यान देना, सॉरी एनिमल पे होता है। यहाँ पे एनिमल पे फोकस है, यहाँ पे प्लांट पे फोकस है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपको नहीं लगता पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, चाहे वहाँ पे एनिमल आए, यहाँ वहाँ पे प्लांट आए, या वहाँ पे लैंडस्केप आए, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रोटेक्शन अगर ओवरऑल करे तो बायोस्फीयर रिजर्व होगा। क्लियर? एनिमल की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क में क्या होगा? फ्लोरा फौना। देखो नेशनल पार्क में इवन इवन एनिमल पे भी फोकस होता है, लेकिन ज़्यादा फोकस क्या होता है लैंडस्केप, मतलब एनिमल पे भी होता है लेकिन एनिमल के अलावे जो और चीज़ होते हैं ना, जैसे एनिमल के अलावे प्लांट वगैरह होते हैं, लैंडस्केप, जैसे कोई माउंटेन है इसका भी कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल पार्क में हम और चीज़ का भी कंजर्वेशन करते हैं, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट सबका करते हैं। क्लियर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में समझे। और देखो बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में इवन प्लांट भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। क्लियर? और बायोस्फीयर रिजर्व को कौन दर्जा देता है? मैप प्रोग्राम का, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है ना वो देता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे इसमें अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क हेवीली रेस्ट्रिक्टेड प्लेस होता है, कैटेगरी 2 में आता है, तो ये हेवीली नहीं, ये है कैटेगरी 4 के कैटेगरी। तो आप यानी जितना कैटेगरी नीचे जाओगे प्रोटेक्शन थोड़ी कम होती जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? और भी इसका डिफरेंस दिया है बहुत काफ़ी ज़्यादा, नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, बायोस्फीयर रिजर्व का। थोड़ा थोड़ा देख सकते हो कि यहाँ पे फोकस होता है बायोटिक कम्युनिटी पे, और यहाँ पे साउंड साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, ध्यान देना एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई नेशनल पार्क हो सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? और यही सब बात बात लिखा हुआ है, उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना डिटेल में हमें अभी नहीं जानना है। क्लियर? तो देखिए अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या होता है, एक होता है कोर एरिया, एक होता है उसका बफर जोन, ये होता है ट्रांजिशन जोन। यहाँ इस ट्रांजिशन जोन से दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कनेक्टेड हो सकता है या कुछ और कनेक्टेड हो सकता है। तो आपको मैंने क्या बताया, अभी बताया कि कोर एरिया के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व भी हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको कई सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, चलिए क्लियर ना। तो देखो कोर एरिया में क्या हो रहा है, कोर एरिया में ज्यादा से ज्यादा आप रिसर्च स्टेशन डाल रहे हो, सॉरी मॉनिटरिंग का डाल रहे हो, क्योंकि कोर एरिया काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। अधिकतर जो टाइगर रिजर्व होते हैं कोर एरिया में होते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आप देख रहे हो जितना बाहर जाओगे प्रोटेक्शन थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप टूरिज्म लोगों को जाने भी दे रहे हो, यहाँ पे भी लोगों को जाने दे रहे हो, लेकिन बीच वाले एरिया में आप किसी को जाने नहीं दे रहे हो। यहाँ पे बस क्या है, मॉनिटरिंग का काम है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ये सब। क्लियर? तो यही सब लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ यही सब लिखा है कोर एरिया के बारे में, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है। और एक कोर एरिया के बाद होते हैं सराउंडिंग जोन, जो कि जो हम जिसको हम बफर जोन बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट वाले को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। क्लियर? यहाँ पे आपको क्रॉप लैंड मैनेज ये सब भी दिखेगा थोड़ा बहुत। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने बताया था ना, एक कोर जोन इज ए प्रोटेक्टेड रीजन लाइक अ नेशनल पार्क और सेंचुरी प्रोटेक्टेड, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये किस एक्ट के अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये जो कोर जोन होता है ना यहीं पे, इवन टाइगर रिजर्व भी यहीं पे होते हैं ज़्यादातर, ह्यूमन इंटरफेरेंस से बिल्कुल दूर रहता है, समझ ना, कि ह्यूमन यहाँ तक जाता है ह्यूमन अंदर जा ही नहीं पाता है। अब चलो हम डिस्कस करते हैं 18 जोन हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते जम्मू एंड कश्मीर में, एक भी नहीं है ना जम्मू में, है ना जम्मू कश्मीर में है ना लद्दाख में, क्योंकि पहले दोनों आप यहाँ ऐसे थोड़ा देख कर लो ना, जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं है ना, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है ना लद्दाख में। कोई दिक्कत नहीं भाई, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। पहले हम टोटल देख लेते हैं, उसके बाद उनको हटा देंगे जिनको मैन एंड बायोस्फीयर ने डिजिग्नेट नहीं किया है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। पहले देख लेते हैं हर एक में कौन कौन, हर एक क्या कहते हैं,
हर एक स्टेट में, पहले कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आते हैं तो नंदा देवी, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में एक भी नहीं है, ध्यान रखना। एक ही साथ याद रखना, जो नदन इंडिया है ना बिल्कुल खाली है, ध्यान देना, नदन इंडिया बिल्कुल खाली है। चाहे आप राजस्थान से ले लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिल्कुल खाली, हटाओ, क्लियर। इवन झारखंड को भी हटा दो, ऐसे पूरा ऐसे हटा दो, राजस्थान, पंजाब। क्योंकि आपको देखो, आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो, क्योंकि ऐसे बताने से एटलीस्ट फायदा ही होगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर बायस पे रिजर्व में कोई ऐसा ऑप्शन आए, आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ऑप्शन में हो, सीधा हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा हटा दिया हमने, सीधा हटा दिया। उसके अलावे अगर आप इधर का ऑप्शन आए ऐसे तीन चार, तो भी हटा दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम डिस्कस करते हैं, ज्यादा स्टेट में नहीं है क्योंकि टोटल 18 है ना, तो बाकी कुछ स्टेट तो ऐसे ही बाहर हो गए। सेकेंड है नंदा देवी, कहाँ पे, उत्तराखंड में, हमें पता चल गया। एक है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में। उसके बाद बात करते हैं सिक्किम में है कंचनजंगा, हम मैप से ही करते हैं कि कंचनजंगा है कहाँ पे, सिक्किम में है। उसके बाद आसाम में है मनास, आसाम में है मनास, आसाम में एक और है दिब्रू साइखोवा, आसाम में दो है, मनास और दिब्रू साइखोवा, आसाम और दिब्रू साइखोवा। दिहांग दिबांग आपको पता होगा, रिवर भी है, तो दिहांग दिबांग कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, सिक्किम को जोड़ लो तो 5, लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो इनको हम ही करते हैं, सेवन सिस्टर, तो सेवन सिस्टर में टोटल 4 ही है, एक अरुणाचल प्रदेश, दो आसाम और एक मेघालय जिसका नाम है नोकरेक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है भाई, क्लियर। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, मनास आसाम, दिब्रू साइखोवा और दिहांग दिबांग और नोकरेक, क्लियर। अब चलो इधर आते, तो वेस्ट बंगाल में है एक सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में है सिंपलीफाल, सिंपलीपल, सिंपलीफाल है उत्तर प्रदेश में। और देखो ये थोड़ा नाम, देखो अजीब थोड़ा नाम है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में मिलके हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है, इसलिए एमपी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बायोडाइवर्सिटी के लिए। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 3 है ना, पंचमरही, पन्ना और अचांकमर और अमरकंटक, सॉरी अमरकंटक नाम है, एक तो अमरकंटक है और ये देखो अचानक अचानक मर, कितना डिफिकल्ट नाम है, यहाँ देखो ना लिखा हुआ, एक सेकंड, अचानक मर और अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। ये तो अमरकंटक जो आपको पता होगा, वहां से 3 रिवर निकलती है, ठीक है ना, तो बहुत फेमस रिवर, वो जो ऊपर एक सोन जाती है, इधर नर्मदा जाती है, एक महानदी, तीनों रिवर इससे गुजरती है। चलो तो ये 3 हो गया, अरुणाचल हो गया, मनास हमने कर लिया, दिब्रू साइखोवा डिस्कस कर लिया, नोकरेक डिस्कस कर लिया, मैं पन्ना में मध्य प्रदेश डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने क्या है, हाँ उसके बाद पंचमढ़ी हमने मध्य प्रदेश का डिस्कस कर लिया, क्या क्या है, पंचमढ़ी, पन्ना और अचानक मर और अमरकंटक ही हमने डिस्कस कर लिया। उसका सबसे है कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ गुजरात का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। आपसे सिंपल पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है, इसकी सिंपलीफाल हो गया, सुंदरबन हो गया, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन है, आंध्र प्रदेश में कौन है, सेसाचलम, क्लियर। नीचे आते हैं तो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे कौन है, अगस्ता माला, क्लियर, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है, क्लियर। और नहीं कर्नाटक में नहीं है बिल्कुल, ये अगस्ता माला सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में है ना, कर्नाटक यहाँ पे नहीं होगा, नीलगिरी तीनों पे है, ये उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे कर्नाटका, नीलगिरी है तीनों पे, नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों के बॉर्डर पे है नीलगिरी, क्लियर। और नीलगिरी को सबसे पहले इंक्लूड किया था, गया था बायोस्फीयर रिजर्व में। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तमिलनाडु में, आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार, और ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सारा हम समझ गए, 18 समझ गए, एक बारी हम देख लेते हैं क्योंकि वो पुराना हम डिस्कस कर चुके हैं, इधर नीचे वाले का डिस्कस कर लेते हैं, रन ऑफ कच्छ, उसके बाद हम नीलगिरी देख लेते, तीनों पे है मिला हुआ,
अगस्त्य माला कहाँ पे है? दोनों पे, दोनों पे। गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है, सेशाचलम आंध्रा में है। चलो अब देखो, इंटरनेशनल स्टेटस कौन देता है बायोस्फीयर रिजर्व को? ऑब्वियसली यूनेस्को देता है, यूनेस्को। यूनेस्को का कौन सा प्रोग्राम है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर प्रोग्राम। कब लॉन्च किया? 1971 में। ताकि ये चाहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर के बीच एक रिलेशनशिप बना हो, ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सके। क्लियर? इसमें क्या होता है, नेचुरल और सोशल साइंस, इस सबको आप क्या कर सकते हो, बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, कि उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। क्लियर? तो देखो, 11 को इन्होंने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, यानी 7 इन्होंने बाहर कर दिया। तो जिन जिन को रिकॉग्नाइज किया है हम उनको देख लेते हैं। नीलगिरी को रिकॉग्नाइज किया है सबसे पहले, ध्यान देना, नीलगिरी को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद है गल्फ ऑफ मनार को रिकॉग्नाइज किया है, उसके बाद सुंदरबन को रिकॉग्नाइज किया है, उसके बाद नंदा देवी को रिकॉग्नाइज किया है, उसके बाद नोक्रेक को रिकॉग्नाइज किया जो कि मेघालय में है, पंचमढ़ी जो कि एमपी में है रिकॉग्नाइज किया है, सिम्पलीफाल उड़ीसा में रिकॉग्नाइज किया है, अचानकमार अमरकंटक को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है जो एमपी और छत्तीसगढ़ पे है, ग्रेट निकोबार को रिकॉग्नाइज किया है, अगस्त्यमाला को रिकॉग्नाइज किया है, अगस्त्यमाला या अगस्त्यमलाई जो हम बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसके बाद कंचनजंगा को रिकॉग्नाइज किया है। तो आप एक बारी देख लो किस किस को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। एक चीज सबसे पहले लिख देते हैं, नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ एक रिकॉग्नाइज किया है, नोक्रेक। तो यानी नॉर्थ ईस्ट का 3 बाहर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी देखा था 4, नॉर्थ ईस्ट का 4, तो 3 बाहर, एक सबसे नॉर्थ वाले को बाहर कर दिया इन्होंने, कोल्ड डेजर्ट। हो सकता है सबसे नॉर्थ वाला भी दिखाई ही नहीं दिया, हम ऐसे बोल सकते, बहुत ऊंचा है। एक सबसे वेस्ट में, क्योंकि डेजर्ट साइड है, गए ही नहीं, वहां का नहीं दिखा दे रहा। तो एक रन ऑफ कच्छ, एक दो कोल्ड डेजर्ट, 3 नॉर्थ ईस्ट, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, और एमपी में इतना ज्यादा था तो पन्ना वाला इनको दिखाई नहीं दिया, 6 और 1 सेशाचलम 7। याद हो गया ना कौन कौन नहीं देखा, मैं ऐसे याद किया हूँ। देखो, एक नॉर्थ वाला इतना हाइट वाला था, इनको दिखाई नहीं दिया, नॉर्थ ईस्ट का 3 इनको दिखाई नहीं दिया, काफी जंगल था, एक तो डेजर्ट में चले गए इसलिए दिखाई नहीं दिया, और एमपी में 3 था इसलिए एक गिनती में भूल गए, तो पन्ना वाला गिनती में, पन्ना पन्ना हम लोग बोलते हैं ना पेज को, तो पन्ना में लिख नहीं पाए, और एक है सेशाचलम। क्लियर? क्लियर? चलो, यही है इस लेक्चर में। देखो, बायस पर रिजर्व की बात आती है, तो अगर अदर स्टेट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% पैसा देते हैं, 40% पैसा कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? और अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात होती है या स्पेशल स्टेटस की बात होती है, क्या क्या लिखा हुआ, हाँ, 90% देता है सेंटर और 10% स्टेट। ये तो नॉर्मल डिवीजन होता है ना, हमें नहीं पता था, पॉलिटी में कई बार पढ़े हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाती है, अप्रूव करती है, मैनेटर किया जाता है सेंट्रल एमएबी प्रोग्राम के द्वारा, नॉर्मल बात है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैन एंड बायोस, बायोस पे रिजर्व हो गया। देखो, जब एक बारी, ध्यान देना, आप बोलोगे भैया आपने ये क्यों नहीं कराया कि सेशाचलम में कौन से नेशनल पार्क है नीलगिरी में, क्योंकि इवन यूपीएससी में इस पे भी क्वेश्चन आया। तो हाँ, कराएंगे, लेकिन एक बारी हम सारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लेते हैं ना, तो क्योंकि हमें इससे फैमिलियर हो जाएंगे, तब अगर नीलगिरी में मैं बताऊंगी ये सब मिलता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, और डिटेल में कराएंगे। लेकिन अभी चलो, एक थोड़ा थोड़ा पहले मैं मैप से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, थैंक यू।